हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए भाई एक गुड न्यूज़ है, अगर आप ग्रुप डी कॉमन कैडर को लेकर रिज़ाइन को लेकर के परेशान हो तो आपके लिए मैं एक सूचना दे देता हूँ। अभी अभी मेरी HRD में बात हुई थी, तो जो ग्रुप डी कॉमन कैडर जो नई भर्ती थी ना, अभी जो हुई थी 2024 में, इसके रिज़ाइन का बड़ा पंगा फंस रहा है। तो उन्होंने जो बताई वो बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है रिज़ाइन का। कुछ बच्चों की लिस्ट आ चुकी है, कुछ की नहीं आ रही, क्या कारण है सुनो। मैंने अपने ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने एक लिंक डाला था ग्रुप डी कॉमन कैडर रिजाइन को लेकर के। आप में से कुछ लोगों ने उस पर कर भी दिया होगा अप्लाई, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो पहले सुनो करना क्या है, कब क्या होगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और वो लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैंने डाला, फिर से डाल दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारियों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का भी दोनों जगह डाल दूँगा। देखो, जिस भाई ने ऑफलाइन जाकर के यानी कि कमिश्नरी में जाकर के रिजाइन दिया था, और अभी तक जिसका रिजाइन की लिस्ट जो आती है, जो 200-300 बच्चों के एक साथ आई थी, ऐसे अगर अभी तक आपके रिजाइन का वापस वहां से नहीं आया कुछ भी रिस्पॉन्स, तो जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर तो आपको अप्लाई करना है। जिसने ऑफलाइन कर दिया, रिजाइन की लिस्ट नहीं आई है, उसको भी ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा। जो मेरी बात हुई थी अभी, वहां पे 1200 तो अभी पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि एक एक को ढूंढ के ऑफलाइन मैनुअली ढूंढ के बहुत कठिन कार्य हो रहा है। और लगभग जो संख्या है वो 6000 के आसपास है रिजाइन देने वालों की, ठीक है। तो वहां पे पेंडिंग है, कुछ एक उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। अब उस ऑनलाइन पोर्टल पे किस किस को अप्लाई करना है, अगर किसी का ऑफलाइन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ऑफलाइन दे के आए थे लेकिन जवाब नहीं आया, उसको तो करना ही करना है, आपको ऑनलाइन उसको करना ही करना है ऑनलाइन पोर्टल पे, चाहे आपको ऑफलाइन दे दिया हो। दूसरा, जिसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उसका अभी तक कुछ नहीं आया, तो उसका सुनो, ऑनलाइन अप्लाई करने के 2-3 दिन के बाद वहीं पर आपका एक लेटर यानी कि रिलीविंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा कि अलग से कोई लिस्ट आएगी, नहीं। जिस पोर्टल पे आपने अप्लाई किया उसी पोर्टल के ऊपर आपको आपका रिलीविंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा 2-3 दिन में अप्लाई करने के बाद। दूसरी बात, जिसने कमिश्नरी के अंदर जाकर के अपना ऑफलाइन जमा करवाया है, उसको ऑनलाइन जब अप्लाई करेगा ना वो बच्चा, तो उसको क्या करना है, जिस डेट में आपने कमिश्नरी के अंदर अप्लाई करा था कि भाई मैं 20 अक्टूबर से रिजाइन दे रहा हूं, मेरा रिजाइन माना जाए, तो आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपको 20 तारीख ही डालनी है, ठीक है, जो डेट आपने वहां पे डाली थी। और वहां पे दिक्कत क्या आ रही है HRD में काम करने में, बहुत सारे बच्चों ने तो दो दो बार तीन तीन बार जाकर रिजाइन दे दिया, रिजाइन दिया, वेट है नहीं, 2 दिन हुए, तीसरे दिन फिर जाकर रिजाइन लिखा है, वो एप्लीकेशन फिर वहां पहुंच गई। तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल छोड़ दिया है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपको अप्लाई करना है। अगर आपका रिजाइन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2-3 दिन के अंदर उसी पोर्टल के ऊपर आपको रिलीविंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से अपना रिलीविंग लेटर डाउनलोड करके कमिश्नर के अंदर जा करके दे देना है आपको, ठीक है, आपका वहां से हो जाएगा, समझ गए। ये है आपका ग्रुप डी कॉमन कैडर का रिजाइन करने का तरीका, उसके बाद आप उस रिलीविंग लेटर के आधार पर कहीं भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो, ये प्रोसेस है। और ये जो पोर्टल है इसके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग मान के चलो केवल और केवल अगले 72 घंटे यानी अगले 3 दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आप भी 3 दिन के अंदर भी अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर आप चक्कर काटने के लिए खुद जिम्मेदार हो। 3 दिन का टाइम है आपके पास, अप्लाई कर लो, उसके बाद आपको जिस दिन अप्लाई करोगे उसके 2-3 दिन के बाद आपका पोर्टल के ऊपर रिलीविंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। ये सूचना मेरे पास आई थी, अभी अभी मेरी बात हुई थी HRD में, तो उन्होंने बताया था जी ऐसे ऐसे प्रोसेस है, आप इसके ऊपर अपने जो कर्मचारी आपके साथ जुड़े हुए उनका अवेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको अवेयर कर दिया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि चैनल से संबंधित अगर कोई सूचना देता है, सॉरी कर्मचारी से संबंधित कोई सूचना देता है हरियाणा में, चाहे सर्विस रूल हो, चाहे आपका एक्सग्रेसिया हो, चाहे आपके कोई भी किसी तरीके की अपडेट हो, तो वो एकमात्र अपना सक्सेस हरियाणा चैनल है। सक्सेस हरियाणा टेलीग्राम के ऊपर जॉब के अपडेट, और हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेलीग्राम जो है एम्प्लॉय के अपडेट, इसी तरीके से व्हाट्सएप के ग्रुप है।
सबका लिंक दे दिया है और स्पोर्ट का लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ।